कक्षा दसवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर उपलब्ध हो, फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देख के जाना। आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले समाज विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पेपर बहुत देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लेने और आपको हम जो क्वेश्चन कराएंगे सभी के आपको स्क्रीन शॉट लेने हैं, ठीक है। और पूरा पेपर आपको तैयार करना। चलिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही पेपर चुनकर लिखिए, छः नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता है वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो इसमें से आंसर आएगा आपका आ, रबी, ठीक है, रबी फसल कहलाती हैं। फिर आपका दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आपका क्या रहने वाला, चलिए आपको दिखा देते हैं, इसका आंसर आएगा आपका दो, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, तो इसमें आपको हो जाएगा सड़क परिवहन, ठीक है। फिर आपका आता सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसमें आपको हो जाएगा गुजरात, ठीक है, आपका द करेक्ट आंसर आएगा गुजरात। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर पाँचवा आता लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका रहेगा समानता व भाईचारा, ठीक है, आपका पाँचवीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता पलल पानी कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भूमिगत जल, ठीक है, छठवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर छः नंबर के सही विकल्प कम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न दो आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, छः नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है, तो इसमें आंसर आएगा आपको माँ सिमराम, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा माँ सिमराम में होती है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं माँ सिमराम आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लीजिए, दूसरा आता जल परिवहन देश के सबसे डॉट परिवहन का साधन सस्ता, ठीक है, सस्ता आपको हो जाएगा दूसरे रेगिस्तान में, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुआ, तो आपके इसका आंसर रहेगा 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में आपका यहाँ पर शुरू हुआ था। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाता उसे डॉट डॉट कहते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता आपका इसका आंसर रहेगा सांप्रदायिकता। पूरा आपको यहाँ पर लिखना सही से, ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर हो जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर सांप्रदायिकता लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट यहाँ पर पाँचवा आता लोकतंत्र में सरकार डॉन चुनी जाती है, तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पर जनता द्वारा, ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा जनता द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए जनता द्वारा आपको यहाँ पर लिखना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है छठवां तृतीय क्षेत्र को डॉन क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसमें आंसर रहेगा सेवा, ठीक है, छः में रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा सेवा। और यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, तो पूरा पेपर आपको रट के जाना, ठीक है, पूरा पेपर आपको याद करना है, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपके यहाँ आती सही जोड़ी बना के लिखिए, आपकी छः नंबर की आती है सही जोड़ी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। तो पहली आपकी आती विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसे मैच कर देना आपको कपड़ा से, ठीक है, कपड़ा से मैच करना है इसको, आप यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरी आती है बेंगलोर, तो बेंगलोर आपकी क्या रहेगी, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से, ठीक है, जो आपकी आती है बेंगलोर, तो इसे आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच करना है। और गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरी आती है गोलमेज सम्मेलन, इसे आप यहाँ पर लंदन से मैच कर दीजिए। और जो आती है आपकी चौथी मानव विकास, तो मानव विकास को मैच करना आपको UNDP से। और जो आपकी पाँचवीं आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को मैच कर दीजिए आप यहाँ पर राज्य सूची से। और जो आपकी आती है प्राकृतिक पतन, तो इसको आपको मुंबई से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट, जल्दी से आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपको हम यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आपके प्रश्न चार आता है एक सतबा के उत्तर दिए, छः नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसमें आपका क्या रहने वाला, चलिए आपको दिखा देते हैं, इसका आंसर रहेगा जूट फसल, ठीक है, यहाँ पर जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहले का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर जूट, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों कितने वर्गों में बांटा गया, तो इसमें आपका आंसर रहेगा चार वर्गों, ठीक है, चार वर्गों आपका इसका आंसर रहेगा चार वर्गों। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपको हमने करा दिया। तीसरा आपका आता है विचारधारा का आशा समझाइए, तो इसे आपको खुद कर लेना। फिर आपके यहाँ पर आता साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसमें रहेगा 1928 में, ठीक है, 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था।
अब चलिए आपके यहाँ पर आता पाँचवा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसमें आपके यहाँ पर रहेगा लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है भारत में। और पाँचवा आता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, आपका हो चुका। और छठवां आता मुद्रा किसे कहते हैं, तो इसे भी आपको खुद कर लेना, ठीक है, आपको गूगल में सर्च करना मुद्रा किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा गूगल में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सत असत आते हैं, सत असत चयन करके लिखिए छः नंबर के आते हैं। पहला था नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। दूसरा आता अब्दुल गफ्फर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर असत्य, ठीक है, ये आपको चौथा यहाँ पर तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये भी आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। जो छठवां आता लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो आपका यहाँ पर जो पाँचवा रहेगा, पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। छठवां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं कम्प्लीट, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप प्रश्न अच्छा आता संसाधन किसे कहते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अथवा देते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन, सभी के आंसर आपको कहां से मिलेंगे सब कुछ हम आपको बताएंगे, वीडियो आपको एंड देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और प्रश्न नौ आता प्रश्न नौ देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर में, ठीक है। दसवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता ग्यारहवां क्वेश्चन, तो ग्यारहवां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका बारहवां क्वेश्चन आता ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले करों का केंद्र कहाँ था, ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन आता इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख देते हैं। चौदहवां क्वेश्चन आता भारत में पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन है, इसका अथवा आता मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। फिर आपका पंद्रहवां क्वेश्चन आता विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ, इसका अथवा आता वुड ब्लॉक क्या एवं किस देश से संबंधित था। फिर आपका सोलहवां क्वेश्चन आता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, फिर इसका अथवा देते हैं सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, आपके यहाँ पर सोलहवीं का अथवा है। फिर सत्रहवां क्वेश्चन आता सत्रहवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपको याद करना, ठीक है। और अठारहवां क्वेश्चन आता तो अठारहवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है उन्नीसवें क्वेश्चन, तो उन्नीसवें क्वेश्चन का आपका अथवा आता है संगात्मक शासन व्यवस्था की तीन विशेषता लिखिए। फिर बीसवें क्वेश्चन आता है ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए, इसका अथवा आता विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। इक्कीसवें क्वेश्चन आता असहयोग आंदोलन के कोई चार कारणों को समझाइए, इसका अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था समझाइए। पूरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर करा रहे हैं, पूरा पेपर आपको याद करना तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, 22वें का अथवा था ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन आता लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका अथवा आता राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य लिखी। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है, और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे समाज विज्ञान पेपर में, ठीक है। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही आपको और सब्जेक्ट की पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट की पेपर भी उपलब्ध कराएंगे इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको घंटी और प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।